फाजिलका के गांव नवा सलेमशाह में एक गरीब परिवार झोपड़ी बनाकर उसमें रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से अपने जर्जर मकान में रह रहे थे। कुछ समय पहले उनका ये मकान भी अचानक गिर गया, जिसके बाद अब वे झोपड़ी बनाकर उसमें रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि इस झोपड़ी में रहने के कारण उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश और आंधी में तो उनकी परेशानी और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा पीड़ित मकान मालिक की पत्नी भी पिछले लंबे समय से भयानक बीमारी से पीड़ित है। उनके पास इलाज के लिए भी पैसे भी नहीं है। उन्होंने कहा कि घर चलाने के साथ साथ उन्हें अपनी पत्नी के इलाज और देखभाल की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ रही है। उन्होंने डीसी फाजिलका और पंजाब के सीएम से उनके लिए पक्का घर बनवाने और उनकी पत्नी के इलाज के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। मकान डिग गया सी वड्डी बारिश च, अज तो पहले 3 साल जड़ी आई सी ते सरकार ने कहा भी जिन्हां दे मकान डिगे ने असी तुहानू देवांगे। असी हर थां ते दरखास्तां हर अफसर नू दे चुके, साडे अजे तिकन कोई सुनाई नहीं हुई, किसे सानू पुछया नहीं है। साडे कोलों फ्रू लै जांदे नू अंगूठे लवा लैंदे, साडी कोई सुनाई नहीं हो रही। 70 नंबर मकान आया सी, 62 नंबर, साडे दोवां भरावां दे दूजा मकान वी साडा अज वाले डिगण वाला बारिश आ गई। हुण कागज़ लाया होया जी बाजारों लिया के, ते ओ भी चो पैंदा, कदे हनेर ना उड जांदा। साडे तो बहुत बुरे हाल हैगे ने, ते कोई साडी सरकार सुनाई नहीं कर रही, कोई अफसर नहीं सुन रहा। 3 साल हो गए झोपड़ी च अहीं है जी, चो पैंदा आटा दाणा बिस्तरे सारे कपड़ा लिगड़ा फिज जांदा, ते उत्तों कागज़ उड जांदा, फिर टाइम पास करना पैंदा। फिर हुण किधर जाइए, किंदे घरे जाइए, अगला कौन वड़न दिंदा है। बहुत आउंदी है जी रात बह ते कट्टी दा, कदे कोई शायद उत्ते आ के डिग पैंदी, कदे कोई डिग पैंदी। उंदे च कोई 5-10 हज़ार तो हो गया जी, फांडा टिंडर उरां परां टीवी टुट गए, बचत हो गई सी, भज के बाहर निकल आए। सरदार कोल गए सी, इत्थे पटवारी भी मौके ते लिखल गया, कानू को भी साडे अजे तक ओह मकान भी नहीं, सहायता वाले भी नहीं पंजाब सरकार दे आए, ते बाकी मौके ते कानू को उन्हां ने खल्लिया सी, ओह भी चेक कर गया 2-3 वारी जी। ओह साडे दरखास्तों का सानू वार जवाब ही नहीं मिलिया। असी भौं भौं ते DTP कोल भी, BDO दफ्तर भी, DC साहब कोल भी, ओह धक देंदे ने उस दफ्तर जा पता लाओ ओहदे लाओ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਜੇ ਉੱਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਜਨਾਬ। ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਅੱਡ ਪਏ ਦਾ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਮਗਰੂ ਘਰ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਭਾਂਡਾ ਟਿੰਡਰ ਹੀ ਛਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੀ ਦੱਪਾ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ੂਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਕਸ ਮਕਾਨ ਦਾ ਪੈਂਦਾ 10-15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਪੈਣਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਇੱਟਾਂ ਮਜ਼ੂਰੀ 4 ਲੱਖ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮਕਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਸੀਮਿੰਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਸੌਖੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਹਨੇਰ ਤੋਂ। ਆਟੇ ਦਾਣੇ 'ਚ ਰੇਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਲਿਗੜਾ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਹਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਖੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਨਾ, ਕਦੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਲਿਆ, वहीं जब इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अभी तक इस बारे में फंड जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार से फंड जारी होने के बाद ही सभी लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाया जा सकेगा।